नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर, इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, तो ये जो लोकोमोटिव है दोस्तों, ये है वेब 7, एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो कि पैसेंजर क्लास का लोकोमोटिव है भारतीय रेलवे का, और बहुत ही अच्छा लोकोमोटिव माना जाता है जो कि हाई स्पीड में एक हैवी लोडेड पैसेंजर गाड़ी को भी ले जा सकता है। WAP-5 के साथ में ही इस लोकोमोटिव को भी बहुत सुपीरियर लोकोमोटिव माना जाता है भारतीय रेलवे में। आज 37296 इस नाम के लोकोमोटिव को कानपुर इलेक्ट्रिक लोको शेड, जहां पर इस लोकोमोटिव का पूरी तरीके से एक मॉडर्नाइजेशन किया गया है, इसका एक न्यू लुक निकल के आया है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है देखने में, रेल फैंस को भी काफ़ी ये पसंद आया है। लेकिन इसकी कलर स्कीम बदली गई है, यही इसकी एक यूनिक बात नहीं है। ये ज़्यादा फेमस क्यों हो रहा है, इसके आर्टिकल्स क्यों लिखे जा रहे हैं, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंट बात ये है, ये भारत का पहला WAP-5 सीरीज का ऐसा लोकोमोटिव रहा है जिसके अंदर टॉयलेट फिटेड है। जी हाँ दोस्तों, लोको पायलट के लिए एक मूलभूत सुविधा टॉयलेट इसमें उपलब्ध करा दी गई है। तो एक रेल फैन होने के नाते मैं इस लोकोमोटिव की तारीफ कर रहा हूँ, बिल्कुल अच्छा लग रहा है मुझे। लेकिन एक देश का नागरिक होने के नाते और एक इस चैनल का ऑनर होने के नाते मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, ये एक थोड़ी सी शर्म की बात है कि आज जाकर के किसी पैसेंजर क्लास लोकोमोटिव में WAP-7 सीरीज का ही चाहे क्यों ना हो, वहाँ पर टॉयलेट की सुविधा, एक बहुत ही ज़्यादा मूलभूत सुविधा अब आई है। चलिए इस लोकोमोटिव की बात करेंगे और दूसरे लोकोमोटिव्स की बात भी करेंगे भारतीय रेलवे के, इससे पहले थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं। देखिए 16 अप्रैल 1853 में भारत में पहली रेलगाड़ी चली, लेकिन टॉयलेट की सुविधा इस तरीके की रेलगाड़ी में 1909 में पहली बार उपलब्ध कराई गई, लेकिन वो भी फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में ही था। इसके बाद धीरे धीरे और भी क्लासेस में ये टॉयलेट की सुविधा आई, लेकिन ये टॉयलेट की सुविधा आने के लिए भी कई पत्र जब लिखे गए अंग्रेजी सरकार को, तब जाकर के उपलब्ध कराया गया था ये कोचेस में। इसके बाद से भारतीय रेलवे जब भारत के आजाद होने के बाद से भारतीय सरकार के अंतर्गत आया, तब से इसके अंदर काफी चेंजेस आए हैं आज तक। आज देश में ट्रेन सेट भी चल रही है, लेकिन 2016 में जाकर के पहली बार ये बात पर चर्चा हुई कि भारतीय रेलवे में जो लोकोमोटिव्स हैं उनके अंदर एसी और टॉयलेट जैसी बहुत ही बेसिक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जिसके लिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने रेलवे को ऑर्डर किया कि वो इस तरीके के काम को जल्द से जल्द शुरू कर दे। 1853 से लेकर 2016 तक दोस्तों 163 साल होते हैं, 163 साल लग गए भारतीय रेलवे को इस चीज को उपलब्ध कराने में, मतलब अभी तो सिर्फ चर्चा ही शुरू हुई थी। 2016 के बाद से काफी लोकोमोटिव्स में धीरे धीरे ये सुविधा आई, लेकिन वो लोकोमोटिव कौन थे दोस्तों, वो लोकोमोटिव थे गुड्स श्रेणी के, क्योंकि गुड्स लोकोमोटिव को ये नहीं मालूम होता उसकी ड्यूटी आवर्स कितने होने वाले हैं। काफ़ी लंबे समय तक लोकोमोटिव के अंदर गुजारना पड़ता था, 50 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंच जाता है गर्मियों में WAG-9 WAG-7 जैसे लोकोमोटिव्स के अंदर, और एसी नहीं था, टॉयलेट नहीं थे, तो बहुत प्रॉब्लम थी। इसलिए गुड्स लोकोमोटिव के लिए ये सुविधा धीरे धीरे कुछ कुछ WAG-9 लोकोमोटिव में आना शुरू हुई, हर किसी में नहीं है अभी भी। इसके बाद फॉरेन कंपनी के लोकोमोटिव्स इंडिया में आते हैं जो अब इंडिया में बन ही रहे हैं, WDG-4G WDG-6G WAG-12 WAG-12। इन तीनों ही लोकोमोटिव के अंदर एक अच्छी खासी एसी है और साथ में ही टॉयलेट की सुविधा भी है। ये सब देख करके अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे लोको पायलट्स जो कि इन लोकोमोटिव्स को चला रहे थे, उनको तो काफ़ी ज़्यादा अनुभव अच्छा रहा इन लोकोमोटिव को चलाने में। उसके बाद भारतीय रेलवे ने और भी लोकोमोटिव्स के अंदर ये सुविधा लाने की कोशिश करी, तो WAG-9 उन शुरुआती लोकोमोटिव में से थे जिसके अंदर ये सुविधा आई, और बैकग्राउंड में आप जो वीडियो चलते देख रहे हैं ये WAG-9 की ही है। यहाँ पर माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड बायो टॉयलेट लगाए गए हैं ठीक असिस्टेंट लोको पायलट की सीट के पीछे साइड, और इस सुविधा का फायदा तभी उठाया जा सकता है जब लोको खड़ा हो, उसमें ब्रेक अप्लाई हो और रिवर्स की न्यूट्रल हो, और भी कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट होते हैं। तो मैं जरूर चाहूंगा कि कोई लोको पायलट अगर इस वीडियो को देख रहा है तो जरूर से बताएं किस किस लोकोमोटिव में टॉयलेट की सुविधा नहीं है और किस में टॉयलेट की सुविधा आने लगी है। वर्ष 2016 में ही जब ये सब चर्चा चल रही थी तो रेलवे ने कुछ कारण भी बताया कि क्यों अभी तक टॉयलेट नहीं उपलब्ध कराए गए थे इंजन्स में। पहला कारण उन्होंने सिक्योरिटी इश्यूज का दिया, तो सुरक्षा कारणों की वजह से टॉयलेट नहीं प्रोवाइड किए गए थे इंजन्स में। दूसरा कारण उन्होंने ये दिया कि लेस स्पेस मौजूद था लोकोमोटिव्स के अंदर, मतलब उनकी जो डिज़ाइन थी उसके अंदर टॉयलेट की बात कहीं दूर दूर तक नहीं थी, तो डिज़ाइनिंग के वक्त में ही जब ये सब कंसिडर नहीं किया गया तो बाद में टॉयलेट उपलब्ध कराना बहुत मुश्किल था। तो ये दो कारण थे। देखिए सुरक्षा वाला जो कारण है उसमें मैं
नहीं बता सकता आपको कि इसका पीछे ठोस कारण क्या रहा होगा, क्योंकि ऐसा कहीं एक्सप्लेन नहीं किया गया था इंटरनेट पर जहां तक मैंने पढ़ा। अगर कोई लोको पलट देख रहा है तो अगेन मैं कहना चाहूंगा कि आप भी एक्सप्लेन कीजिएगा आपको क्या बताया जाता था रेलवे की तरफ से। थोड़ा सा मैं ये जरूर सोच सकता हूं कि हो सकता है कि जो लोकोमोटिव है वो पूरी तरीके से एक मशीन है, इसके अंदर पूरा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी से भरा हुआ है। ऐसे में थोड़ा माइनर भी अगर वाटर लीकेज होता है या फिर वाटर की वजह से शॉर्ट सर्किट होता है तो पूरे लोकोमोटिव के फेल होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो ऐसे ही ये सब कारण कुछ हो सकते हैं, बाकी आप क्लियर कीजिएगा। तो यही कारण है कि जो बॉयलर टॉयलेट्स हैं वो माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड आ रहे हैं, तो उसमें पूरा ध्यान रखा जाता है कि जब ही टॉयलेट का यूज़ होगा, जब लोको एक स्टिल कंडीशन में होगा, और यहाँ पर पूरी निगरानी की जाएगी कि लोको मोटिव तभी चले जब यहाँ पर लोको पायलट इस टॉयलेट को यूज़ ना कर रहा हो। तो माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सेंसर्स लगे होते हैं इन टॉयलेट्स के अंदर। दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार ये भी कहा गया, लगभग 15 साल से जो लोको पायलट सर्विस दे रहे थे भारतीय रेलवे में, उनके ऊपर जब सर्वे किया गया तो पता लगा कई सारे लोको पायलट जो हैं वो किडनी रिलेटेड समस्याओं का सामना कर रहे थे। तो ये सब जो कंडीशन है वो लोको पायलट्स को हुई भी क्यों होगी? सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि वो 9-9 घंटे तक अगर काम कर रहे हैं तो दो दो तीन तीन चार चार घंटे तक वो टॉयलेट जा ही नहीं रहे, क्योंकि टॉयलेट वो तभी जाएंगे या तो वो ट्रेन रुकेगी किसी स्टेशन पर, वहां पर वो उतर के जाएंगे SLR कोच में जाएंगे। तो यही कारण है कि मैंने कहा कि थोड़ा शर्मनाक भी है कि आज जाकर के पैसेंजर क्लास लोकोमोटिव में भी अब टॉयलेट अब आ रहे हैं। रेलवे ने लेकिन यहाँ पर पैसेंजर क्लास के लोकोमोटिव में टॉयलेट उपलब्ध कराने में देरी इसलिए भी करी होगी क्योंकि यहाँ पर ड्यूटी आर का बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है, क्योंकि LPG जो गुड्स के लोको पायलट हैं उनकी ड्यूटी आर ज़्यादा होते हैं, और लोको पायलट जो पैसेंजर क्लास का होता है उनको कई सारे मौके मिल जाते हैं कि वो स्टेशन पर उतर सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक टाइम बाउंडेशन होता है ट्रेन का। तो ऐसे में आप बात करते हैं WAP-7 की, तो WAP-7 दोस्तों इस तरीके का जो पहला टॉयलेट फिटेड लोकोमोटिव आया है, इससे मैं चाहता हूं कि अब जाकर के अगर अपनी भूल सुधारनी है रेलवेज को कि इस पर विचार बहुत धीरे धीरे किया गया, तो एक बड़ा अभियान चलाया जाए और सभी पैसेंजर क्लास लोकोमोटिव में इस तरीके की मूलभूत सुविधा को उपलब्ध कराया जाए। और मेरे जो लोको पायलट भाई जितने भी हैं अगर आज वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों की मुझे मालूम है बहुत टाइम से मांग है, मैं बहुत टाइम से उनके कमेंट भी पढ़ता आ रहा हूं लोकोमोटिव को लेकर के वो हमेशा बोलते हैं, तो उनके लिए ही मैं ये मुद्दा उठाना चाहता हूं कि इस पर अब तेजी लाई जाए, तभी मैं मानूंगा कि रेलवे अच्छा सोच रहा है उनके बारे में। कुछ जानकारी मुझे ये भी प्राप्त हुई है कि रेलवे बोर्ड ने जो लोको शेड्स हैं उन सभी को कहा है कि अब वो इस तरीके की लोकोमोटिव के अंदर मॉडिफिकेशन करें और टॉयलेट्स लगा करके प्रोटोटाइप सामने लेकर के आए। ये WAP-7 का जो लोकोमोटिव सामने आया है टॉयलेट के साथ में एक प्रोटोटाइप ही है, क्योंकि प्रोडक्शन में तो दोबारा जा नहीं सकते हैं, इसलिए अब इलेक्ट्रिक लोको शेड या फिर लोको शेड जो भी हैं उनको ये अपने काम करने पड़ेंगे जल्द से जल्द। तो भविष्य में ऐसे और भी पैसेंजर क्लास लोकोमोटिव देखने को मिल सकते हैं, आशा तो मेरी यही है रेलवे से। हालांकि दोस्तों अगर ट्रेन सेट्स की बात करी जाए या EMU या DEMU की बात करी जाए, 3-phase वाली जो अब आ रही हैं, इन सभी में अब टॉयलेट्स की सुविधाएं हैं, चाहे वंदे भारत जैसी ट्रेन सेट्स हो गई। तो दोस्तों अब नए ट्रेन सेट जो भी आगे आए उसमें तो रेलवे इन सब सुविधाओं के बारे में ध्यान रख रहा है, चाहे एयर कंडीशन की बात हो टॉयलेट्स की बात हो। तो ऐसी कोई खबरें अगर आती रहेंगी तो मैं आप लोगों को अवगत कराता रहूंगा इन सभी खबरों से, और उसके टेक्निकल बैकग्राउंड के बारे में बताता रहूंगा आप लोगों को क्या क्या हो सकता है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रख लीजिएगा, आपकी राय क्या है आज की वीडियो को लेकर के वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय।